दोस्तों, इस दुनिया में अनगिनत जानवरों की प्रजातियां हैं। कुछ जानवर शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी होते हैं। कुछ जानवर अंडे देने वाले होते हैं तो कुछ जानवर सीधा बच्चे को पैदा करते हैं। कुछ जानवर ज़्यादा तेज दिमाग वाले होते हैं तो कुछ जानवर बुद्धू टाइप के होते हैं। कुछ जानवर पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं तो कुछ जानवर पानी और ज़मीन पर भी रहना पसंद करते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब अलग अलग प्रजाति के जानवर आपस में संभोग कर लेते हैं? क्या उनसे हुए उत्पन्न बच्चे सेम उनके जैसे ही होते हैं या फिर उनमें कुछ अलग ही बदलाव होते हैं? क्या ऐसे जानवर दुनिया में जीवित भी रहते हैं या पैदा होते ही मर जाते हैं, या फिर उनसे हुए उत्पन्न बच्चे एक अलग ही स्पीशीज में तब्दील हो जाते हैं? तो आज की वीडियो में हम आपको 5 जानवरों के ऐसे मिक्स ब्रीड दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, कमास। कामा अलग अलग देशों के 2 जानवरों का एक हाइब्रिड है। एशिया के ऊंट और दक्षिणी अमेरिका के लामा, इन दोनों से मिलकर यह जानवर बना है। 2 एक जैसी दिखने वाली प्रजातियां कई अंतर प्रदर्शित करती हैं, लेकिन ऊंट और लामा दोनों सामान्य पूर्वज के वंशज हैं जो उत्तरी अमेरिका में पुरापाषाण काल के दौरान विकसित हुए थे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से ऊँटों और लामाओं का प्रजनन मादा लामा और मेल ऊँटों के साथ सबसे सफल रहा। इस क्रॉसब्रीड का लक्ष्य था ऊँट के आकार और लामा जैसी ताकत का एक बड़ा जानवर तैयार करना, जिसका नाम कामा रखा गया। इस हाइब्रिड में ऊँट की तरह कुबड़ नहीं होता और लामा की तुलना में यह काफ़ी बड़े और मजबूत भी होते हैं। नंबर 4, वुल्फिन। फॉल्स किलर वेल अटलांटिक बाल्टनोज डॉल्फिन के सहयोग से बना यह क्रॉसब्रीड डॉल्फिन से बड़ा और वेल से छोटा होता है। वैज्ञानिकों द्वारा इस ब्रीड का नाम वुल्फिन रखा गया। इस मछली को कैद में रखा गया है क्योंकि यह काफ़ी खतरनाक है। इस मछली के बड़े बड़े दांत होते हैं जो किसी भी इंसान को आसानी से चबा सकते हैं। पहली वुल्फिन मछली फीमेल बाल्टनोज डॉल्फिन और मेल किलर वेल पिता की संतान 1985 में पैदा हुई थी। 2005 में उस वुल्फिन मछली ने एक बच्चे को जन्म दिया था जो कि 3/4 डॉल्फिन और 1/4 किलर वेल था। ये दोनों हवाई के सी लाइफ पार्क में कैद हैं। वुल्फिन का आकार, रंग और कुछ अंग दोनों प्रजातियों का मिश्रण है, जैसे इसके दांतों की संख्या। बाल्टनोज डॉल्फिन के 88 दांत होते हैं और किलर वेल के 44 दांत होते हैं, लेकिन इस क्रॉस ब्रीड के लगभग 66 दांत हैं। नंबर 3, ग्रोलार बेयर। दोस्तों, ग्रिजली बेयर और पोलर बेयर की मिक्स ब्रीड को गोलार बेयर कहा जाता है क्योंकि यह जानवर जंगल में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। 2006 में कनाडा में पहली बार ये दुर्लभ भालू देखने की सूचना मिली थी। यह इन्फॉर्मेशन एक शूटिंग के दौरान मिली थी। माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन, जिसका आर्कटिक में गहरा प्रभाव पड़ा, इन्होंने पोलर बेयर के निवास स्थान में बदलाव कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इनका मिक्स ब्रीड उत्पन्न हुआ। नंबर 2, जैबरॉइड्स। जैबरॉइड एक जैबरा और एक घोड़े या फिर एक जैबरा और गधे का मिक्स ब्रीड है। इन प्रजातियों में कई तरह की मिक्स ब्रीड पाई जाती हैं, जैसे जोर्सिस, जोंकीज, जोनीज और जैबरॉइड्स। जैबरॉइड्स को इन सारी प्रजातियों में सबसे सर्वोत्तम मिक्स ब्रीड माना गया है। घोड़े और जैबरे से बने इस जानवर को प्रशिक्षित करना आसान होता है और यह ब्रीड घोड़े की तुलना में कम बीमार होती है। यह जानवर उन प्रजातियों के मिक्स ब्रीड का दिलचस्प उदाहरण भी है जिनमें क्रोमोसोम्स की मौलिक रूप से संख्या भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, घोड़े में 64 क्रोमोसोम्स होते हैं और जैबरे में 32 और 46 के बीच क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके कारण यह जानवर दुनिया के कुछ सबसे यूनिक जानवरों में से एक बन जाता है। और नंबर 1, लाइगर। दोस्तों, लाइगर नर शेर और एक मादा बाघ का क्रॉस ब्रीड है जो कि दुनिया की सभी बिल्लियों में सबसे बड़ा है। उनका यह विशाल आकार उनके छुपे हुए जीनों का परिणाम हो सकता है। उनके माता पिता पूरी तरह से सेम नहीं होते, लेकिन जब 2 अलग अलग प्रजातियाँ मिलती हैं तो उनमें अनियंत्रित बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे इस प्रजाति की कुछ मादा बाघ 10 फीट लंबाई तक बढ़ सकती हैं और 700 पाउंड से अधिक वजन की हो सकती हैं, क्योंकि शेर और बाघ दोनों जंगलों में अलग अलग आवासों में रहते हैं। इस प्रजाति में स्वाभाविक रूप से नर नहीं पाए जाते, ज़्यादातर मादा ही इस प्रजाति में जन्म लेती हैं। इस मादा बाघिन के शरीर पर बाघ के जैसी काली काली धारियाँ होती हैं, लेकिन यह दिखने में बिल्कुल शेरनी जैसी होती है। शेरनी से इसका आकार थोड़ा ही बड़ा होता है, जिसके कारण यह बिल्ली दुनिया के कुछ सबसे यूनिक जानवरों में से एक बन जाती है। शेर और बाघ की यह मिक्स ब्रीड दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक जंगली बिल्लियों में से भी एक है। एशिया में हर साल यह बिल्ली 80 से 100 आदमियों को मार डालती है। इसके बावजूद भी यह बिल्ली एशिया के कुछ सबसे संरक्षित जानवरों में से एक है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर के जानवरों की 5 ऐसी मिक्स ब्रीड जिन्हें वैज्ञानिकों ने कई प्रयासों के बाद बनाया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और हाँ, अगर आप इस वीडियो में पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं
तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।